दोस्तों अगर आप YouTube पर या Flipkart पर या Amazon पर या Google पर सर्च करोगे BLDC तो आपको सबसे ज्यादा ट्रेंड BLDC फैन ही दिखेंगे। BLDC सीलिंग फैन हो गया, BLDC कूलर हो गया, BLDC मोटर वाली कई सारी प्रोडक्ट है जो अभी ट्रेंड कर रही है। दोस्तों बात करेंगे अभी BLDC सीलिंग फैन की, तो BLDC सीलिंग फैन सबसे ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि देखिए वो BLDC फैन जो है अलग अलग ब्रांड में आता है लेकिन उसकी पर्पस एक ही रहती है, आपकी सेविंग। बिल बिजली का आता है वो दिमाग खराब कर देने वाला आता है। दोस्तों अभी जिस तरह से दाम बढ़ते रहते, महंगाई बढ़ती रहती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे कि बिजली का बिल कम कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक BLDC फैन परचेस किया था, उसके बैक टू बैक मैंने दूसरा भी एक फैन परचेस किया था, क्योंकि मैंने दो BLDC फैन लगाए अपने घर पर। नॉर्मल जो मेरे पास फैन था वो मैंने 2020 में एक परचेस किया था, लास्ट ल्यूमिनस का, जो ल्यूमिनस ब्रांडेड कंपनी है उसका मैंने फैन परचेस किया था, 3200 रुपए का फैन था। लेकिन दोस्तों उसको मैं अभी 3 साल से चला रहा हूँ। अभी ये BLDC फैन मेरे जहन में आया और मैंने इसको ऑर्डर किया। उसके बाद मुझे पता चला कि BLDC फैन क्या है और उसको हमें क्यों लेना चाहिए। दोस्तों देखिए BLDC फैन जो है वो 26 या 35 वॉट तक वो कंज्यूम करता है, जो अलग अलग ब्रांड का आता है तो अलग अलग ब्रांड अपनी कंज्यूमशन की रेटिंग दिखाती है कि ये 32 वॉट कंज्यूम करेगा, 35 वॉट करेगा, 26 वॉट करेगा या 28 वॉट। तो दोस्तों मेरे पास दो फैन है वो पॉलीकैप के हैं, आज उसकी हम टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ल्यूमिनस का फैन है ब्रांडेड वो कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है, नॉर्मल फैन वर्सेस BLDC फैन कितना कंज्यूमशन करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फैन की कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ना तो कोई मैं इनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं और आपके साथ इस एक्सपेरिमेंट को मैं सेव कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे ल्यूमिनस का, हमारा नॉर्मल फैन जो हमारे घरों में पुराने जो रेगुलर फैन आते थे वही है। ये BLDC फैन नहीं है, ल्यूमिनस का फैन है और इसका मैं आपको स्टिकर दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर दोस्तों स्टिकर के ऊपर आप देखिए 70 वॉट का ये मेंशन किया हुआ है कि ये फैन कंज्यूम करेगा 70 वॉट, 230 वॉल्ट पर ये 70 वॉट कंज्यूम करेगा। लेकिन ऐसा है या नहीं तो इसको आज हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल वर्सेस BLDC फैन के साथ। तो मैं आपको अभी BLDC फैन भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा BLDC फैन, ये पॉलीकैप का BLDC फैन है। इसकी मैंने एक अनबॉक्सिंग की भी वीडियो बनाई थी और इसकी एक इंस्टॉलेशन की भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो, नहीं देखी तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। दोस्तों ये BLDC फैन है पॉलीकैप का और इसमें बताया गया है कि ये 28 वॉट इन्वर्टर पर काम करेगा और 32 वॉट ये गवर्नमेंट की जो है अनग्रिड बिजली होती है उसके ऊपर काम करेगा। तो चलिए इस दोनों की टेस्टिंग हम शुरू कर देते हैं। पहले देखते हैं कि ये BLDC फैन है और एक हमारा रेगुलर फैन है वो दोनों कितना वॉट कंज्यूम करता है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं हमारे मिक्स इन वन मल्टीफंक्शनल एनर्जी मीटर के पास और वहां पर इसकी रीडिंग देखते हैं, दोनों को वन बाय वन ऑन करके चेक करेंगे और बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये हमारा 6-in-1 मल्टीफंक्शनल एनर्जी मीटर, यहां पर आपको ये जो दिख रहे हैं दो वोल्टेज 1.8, तो ये 1.8 हमारे दो CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो वो 2 वोल्ट के आसपास ये कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा जो जीरो है इसको हम जीरो ही देख लेंगे, 2 वोल्ट हम लेस कर लेंगे जो भी रीडिंग आएगी उसमें से, क्योंकि अभी ये CCTV कैमरे हमारे लगे हुए हैं उसमें 2 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे जो नॉर्मल फैन है उसको ऑन करके देखते हैं नॉर्मल फैन में हमारा कितना कंज्यूमशन आता है, कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो ल्यूमिनस फैन है इसको मैंने 2020 में परचेस किया था, अभी करीब करीब 3 साल होने को आए हैं तो इतना भी पुराना नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले टेस्ट करते हैं, ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने कर लिया है ऑन, अभी इसकी हम पहले फुल स्पीड पर इसको हम चेक कर रहे हैं कि फुल स्पीड पर अभी कितना ये कंज्यूमशन कर रहा है, अभी कंज्यूमशन कितनी हो रही है हम चेक करते हैं मल्टीफंक्शनल मीटर में, इसको ऑन ही रहने देते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए 83 वॉट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है, जबकि हमें इसके ऊपर मेंशन किया हुआ देखा था 70 वॉट, ये 84 वॉट के आसपास कंज्यूम कर रहा है। 84 वॉट में से भी हम 2 वॉट निकाल ले तो 82 वॉट ये कंज्यूम कर रहा है, जो हमारा ल्यूमिनस ब्रांड का फैन है, ल्यूमिनस ब्रांडेड फैन है जो 70 वॉट बोल रहा है लेकिन वो अभी 82 वॉट कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर 84 उसमें से हम 2 वॉट लेस कर देंगे 84 में से, क्योंकि हमारे CCTV लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये है इसकी एक सच्चाई कि आप जो वॉट आपको बताया जाता है कि ये 75 वॉट है 70 वॉट है तो उतना होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसकी हम टेस्टिंग करते नहीं है इसलिए हम बेवकूफ बन जाते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं हम BLDC फैन की, चलिए उसको भी हम ऑन कर लेते हैं, इसको हम पहले यहां से बंद करके जीरो कर लेंगे। फैन ल्यूमिनस का जो ऑन किया था उसको कर लिया है बंद, अभी इसकी हम रीडिंग देखते हैं। तो यहां पर देखिए नॉर्मली आ चुका है 1.8 जो हमारा CCTV कैमरे का कंज्यूमशन हो रहा था वही। तो चलिए अभी बारी है पॉलीकैप
का जो BLDC फैन है उसकी टेस्टिंग की, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ से स्विच कर दी है ऑन, ये पॉलीकैप का BLDC फैन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी हम स्पीड देखेंगे। दोस्तों ये BLDC फैन होता है उसको करीब 2 सेकंड का स्टार्टअप टाइम लगता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर अगर आपकी इन्वर्टर पर शिफ्टिंग होती है, या ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड या ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड शिफ्टिंग होती है, तो इसको बीच में 1 सेकंड के लिए बंद होना पड़ता है। तो ये हमारा BLDC फैन है, ये अभी 5 की स्पीड पर ऑन है और चल रहा है फास्ट, एकदम तेज, बढ़िया। तो अभी इसकी रीडिंग भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे 6-in-1 मल्टीफंक्शनल एनर्जी मीटर के पास। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैं पॉलीकैप का या ल्यूमिनस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, और ना तो मेरी कोई ऐसी इंटेंट है कि मैं इनकी सेल्स डाउन करवाऊं। दोस्तों मैं ये एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इसमें कोई भी ब्रांड अपने ऊपर ना ले, इसको पर्सनली ना ले। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे यहाँ 6-in-1 मल्टीफंक्शनल एनर्जी मीटर के पास। यहाँ पर आप देखिए 29.5-30 वॉट, ये 30 वॉट कंज्यूम कर रहा है 5 की स्पीड पर। साथ में इसमें से हमें 2 वॉट लेस करने हैं जो हमारे CCTV लगे हुए उसके। तो दोस्तों ये 28 वॉट पर फैन चल रहा है। यहाँ पर देखिए पॉलीकैप ने 26 वॉट पर आपको दिखाया था कि ये 26 वॉट पर चलता है फैन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 26 से 28 आ रहा है, यहाँ पर 29-30 के आसपास आ रहा है। यहाँ पर देखिए लेस होता जा रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर 29 पर आ गया। तो मतलब 29 में से हम 2 वॉट भी लेस कर लेंगे तो भी हमारे 27 वॉट बनते हैं। तो 26-27 वॉट पर ये BLDC फैन वर्क कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो सोलर पैनल की वजह से ही हमारा यहाँ पर UPS ऑन है। मतलब सोलर पैनल या इन्वर्टर के ऊपर आप फैन चलाओगे BLDC, तो वो 26-27 वॉट, 27 का है तो 28 वॉट, 26 वॉट आपको कंपनी बता रही है, तो 27 एक वॉट ज्यादा लेगा। लेकिन जितना आपको इन्वर्टर के ऊपर फायदा मिलेगा उतना आपको ऑन ग्रिड पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑन ग्रिड पर है, मैं सोलर को एक बार बंद करके आपको ऑन ग्रिड दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैंने सोलर की स्विच बंद कर ली, अभी एक ऑन ग्रिड पर आ गया। तो ऑन ग्रिड पर कितना आ रहा है कंजप्शन, तो वही आ रहा है 30-31, मतलब 2 वॉट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपका ऑन ग्रिड पर आप इसको यूज करते हो BLDC फैन को, तो वो 26-27 वॉट जो इन्वर्टर पे कन्वर्ट होता है, जब इन्वर्टर पे चलता है 27 वॉट 28 वॉट के आसपास, और अगर ऑन ग्रिड पर है तो वो सीधा आपका 32 वॉट, मतलब 4-5 वॉट आपका ज्यादा कंज्यूम करेगा ऑन ग्रिड पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू, जय माता दी।